नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आप आज का जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। इसमें जो बताया गया है स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, इसमें जो स्थानीय आवश्यकताओं तथा शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय निकायों का भी विशेष महत्व है। जो स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन है उसका स्थानीय निकायों का विशेष महत्व है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने लोकतंत्र को अपनाने के साथ साथ लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भी अपनाया है। और इस सिद्धांत के अनुसार स्थानीय संसाधनों को बहुत से अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए गए थे। फिर इसमें जो अमेरिका के स्थानीय प्रशासन भी स्थानीय शिक्षा की व्यवस्था करता है। अमेरिका के स्थानीय प्रशासन ही स्थानीय शिक्षा की व्यवस्था करता है। फ्रांस में कम्युनियन तथा इंग्लैंड में स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था कुशलतापूर्वक कर रही है। फिर अपना आता है इसी के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर शिक्षा की ऐतिहासिक प्रगति। स्थानीय स्तर पर शिक्षा की ऐतिहासिक प्रश्न संविधान के अनुसार स्वायत्त योग्य संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करती है। जो नियम होते हैं उसके माध्यम से सारा कार्य पेंशन होता है ना। तो ये तथा राज्य सरकार इन संस्थाओं के प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखती है। जो प्रशासन है उस पर अपना जो नियंत्रण रखती है। फिर इसमें जो भारत की जो स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की है। भारत के स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की है। भारत के स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की है। इसमें जो दो प्रकार की है, पहली है प्रथम वे संस्थाएं जो शहरी क्षेत्रों में कार्य करता है। क्या है प्रथम जो संस्था है जो शहरी क्षेत्रों में कार्य करता है। फिर इसमें जो उदाहरण नगर पालिका तथा नगर निगम,
नगर नगर निगम, ठीक है। फिर द्वितीय दिशा में उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है, इसमें जो जनपद पंचायत आदि उदाहरण है, जनपद पंचायत आदि करेंगे आज के लिए, काफी है। दर्शक उसको व्यवस्थित बनाने में ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।